हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो शेयर किया था सीएसआर वन पे, और वो सीएसआर वन का जो वीडियो था वो दिस इज आवर फर्स्ट इनिशिएटिव, हमने फर्स्ट एक वीडियो बनाया था। एंड उसके अंदर बताया गया था कि सीएसआर फॉर्म वन फाइल करना जरूरी है सेक्शन 8 कंपनीज को, रजिस्टर्ड ट्रस्ट को एंड सोसाइटीज को, अगर उनको कोई भी सीएसआर एक्टिविटीज अगर करनी है इन फ्यूचर। तो उस वीडियो के बाद में काफ़ी मेरे नॉन प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से एक पॉइंट रेज हुआ कि सर, जो ट्रस्ट है वो हम समझते हैं कि बेसिकली ट्रस्ट क्या होता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी है वो एक नया कंसेप्ट है हमारे लिए, वो क्या होता है उसके बारे में जरा बताइए। और कुछ प्रोफेशनल्स की तरफ से भी क्वेरी आई कि इनकॉर्पोरेशन हम प्राइवेट कंपनीज का करते हैं, दैट इज नॉर्मल, बट कैसे, किस तरह से 1% कंपनीज जो होती है या फिर सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है वो रजिस्टर होती है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए और एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके बाद में जो सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है, क्या उसके प्रोविजंस है, क्या उसके बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है, उसके ऊपर हमने एक राइटअप भी किया, और उसी राइटअप के बेसिस पे ये एक ब्रीफ वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जिससे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी एक, उनके लिए एक हेल्पफुल हो वो वीडियो देख के कि वो इजीली इनकॉर्पोरेट कर सके सेक्शन 8 को। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली एक ट्रस्ट ही होता है, लेकिन जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट जो एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है 1882, उसके अंदर रेगुलेट होता है, लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रेगुलेट होता है। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है नाउ इट इज एज कंपेरिजन टू ट्रस्ट। तो बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रस्टीज हैं, दे आर मूविंग इनटू सेक्शन 8 कंपनी कंप्लाइंसेस, कि वो काफ़ी इजी है कंप्लाइंस करने के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी काफ़ी ईजी है उसको मैनेज कर। तो एक सेक्शन 8 कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है, किस तरह के उसके जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना है, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बिकॉज इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो थोड़ा डिटेल तरीके से बताया गया है। तो इस वीडियो के लिए जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है उसके लिए हमने एक राइटअप है, वो राइटअप जो है वो स्क्रीन शेयर करके आपको बता देते हैं। दिस वन इज, First of all, this is an introductory part. Section 8 company is an NGO, that is an organization that operates for non-profit purpose. A Section 8 company is regulated under the Companies Act 2013, governed by the Ministry of Corporate Affairs. ये point आपको पहले भी बताया था कि Companies Act 2013 में regulate होता है Section 8 company. As per Section 8 of the Companies Act, it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company who has its objects in the promotion of commerce, arts, science, sports, education, research, etc., who intends to apply its profit, if any, or other income in promoting the objects of the Section 8 company, who intends to prohibit the payment of any dividend to its members. तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपने जो मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड नहीं दे सकती है। और उसके लिए लीगल प्रोविजंस क्या है गवर्निंग लेजिस्लेशन, जैसे सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है, तो सोसाइटी है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है, ट्रस्ट जो है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है। तो हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की, कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने के पहले हमें क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, क्या कंप्लायंस चेक करना होगा कि सेक्शन 8 कंपनी जब हम स्टार्ट करें इनकॉर्पोरेट करना कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी यूनिक नेम होता है वो यूनिक नेम आपको एमसीए पे चेक करना होगा कि दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, और उसके लिए जो ट्रेडमार्क की साइट है उस पर भी जाके आपको चेक करना होगा रिलेवेंट क्लास के अंडर कि दैट नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट ऑन द वेबसाइट ऑफ आईपी इंडिया। And second thing is DSC of the promoters and directors. See, इसके अंदर क्या है कि आपका जो directors होते हैं, आपके दो minimum director होने चाहिए section 8 company के लिए,
एंड उसके लिए आपको जो डीएससी है वो मैंडेटरी है, बिकॉज जो भी ई फॉर्म्स फाइल होंगे उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है, डीएससी अटैच करना। तो जितने भी डायरेक्टर्स है, जैसे 2 डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर, उन सबका मैंडेटरी है डीएससी अटैच करना। एंड थर्ड थिंग इज मेन ऑब्जेक्ट शुड बी एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी। एंड जितने भी, अगर मान लीजिए जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होना चाह रहे हैं प्रपोज डायरेक्टर, एंड उनका जो डिन है ऑलरेडी अगर ले रखा है तो वो अप्रूव डिन होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड या डीएक्टिवेटेड डिन नहीं होना चाहिए। एंड वो डिन है, अगर डिन मान लो नहीं ले रखा है तो आप फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हो पार्ट बी फॉर्म के थ्रू। एंड सबसे डिफरेंट थिंग है, जो कि एक नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी हम लोग बनाते हैं उसमें INC 14 एंड 15 जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी जब हम बनाते हैं तो पार्ट बी ई फॉर्म में आपको INC 14 एंड INC 15 अटैच करना मैंडेटरी है, वरना आपके आपके लिए एक रिसबमिशन पॉइंट आ सकता है। उसके बाद में कुछ बेसिक स्टेप्स है, जो प्रोसीजर है जो हमने राइटअप में लिखा था कि आपको सिर्फ 5 स्टेप जो है वो फॉलो करना होगा सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो स्टेप 1 होता है कि फाइलिंग ऑफ स्पाइस प्लस पार्ट ए। तो ये फाइलिंग ऑफ स्पाइस प्लस पार्ट ए क्या होता है और किस तरह से इसको फाइल करते हैं, एक बार एमसीए की साइड पे हम लोग देख लेते हैं। सी, ये एमसीए की साइट है, यहाँ आपको mc.gov.in डालना है और यहाँ जो रजिस्टर्ड यूजर है वो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आफ्टर साइन इन वन मिनट देर इज सम प्रॉब्लम। सी फ्रेंड्स, इस तरह से ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में यहाँ जो भी प्रोफेशनल है उनका नाम आ जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है। और उसके बाद में एमसीए सर्विसेज में जाके आपको स्पाइस प्लस सेलेक्ट करना है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो रन, इसके नीचे जो रन फॉर्म है, स्पाइस प्लस के नीचे जो रन फॉर्म है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, बिकॉज वो सिर्फ नेम चेंज के लिए है। स्पाइस प्लस पे जाके आप फ्रेशली अप्लाई कर सकते हो नया नाम। न्यू एप्लीकेशन पे जाके आपको टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करना, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। देन यू हैव टू सेलेक्ट क्लास ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज पब्लिक सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट। आफ्टर दैट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। आफ्टर दैट नॉन गवर्नमेंट कंपनी। एंड यहाँ पूछ रहे कि मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे एजुकेशन है या सोशल ऑब्जेक्ट्स है, वो आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को डालना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एजुकेशन के लिए लेते हैं तो 80 आपको डालना, और यहाँ आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है वो आपको मेंशन करना होगा। अगर ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं, ऑब्जेक्ट्स थोड़ा लेंदी है, तो आप यहाँ चूज फाइल करके अटैच भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है नेम, 2 नेम डालने, आपका जो प्रेफरेंस है, एक नाम के अलावा 2 नाम आप डाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ नेम एप्लीकेशन स्पाइस प्लस पार्ट ए से करना है तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर सिर्फ आप नेम अप्लाई कर रहे हो पार्ट ए में, अगर आप डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन करते हो इसी एप्लीकेशन से, तो आपको एक ही नाम यहाँ पे पुट करना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे XYZ फाउंडेशन हम डालते हैं। उसके बाद में हम लोगों को, अगर मान लीजिए अटैचमेंट आपका बड़ा है या फिर स्पेसिफिक कोई अटैचमेंट आप शेयर करना चाहते हो CRC के साथ, तो चूज फाइल करके वो आप अटैच कर सकते हो। और उसके बाद में आपको ऑटो चेक करना है, प्लीज एंटर द समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स आपको एजुकेशन डाल शॉर्ट में। आफ्टर देन यू हैव टू डू ऑटो चेक वेदर द नेम इज अवेलेबल और नॉट। तो ये आपको एक ग्रीन पॉपअप आएगा यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय द सिस्टम इट अपीयर्स दैट द नेम अप्लाइड फॉर इज नॉट आइडेंटिफाइड। उसके बाद में आपको सेव करना है फाइल को, एंड आफ्टर सेविंग यू हैव टू सबमिट हियर। अब यहाँ कंफर्मेशन अलर्ट आएगा, अगर सिर्फ आपको नेम अप्लाई करना है पार्टी से तो सिर्फ आप नेम अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली,
लेकिन इफ यू आर श्योर कि इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको ये नेम नहीं मिलेगा, तो आप सबसे पहले इफ यू आर श्योर दैट आपको ये नेम मिल जाएगा तो आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक साथ फाइल करते हैं और नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन। बट वो फाइल करने के बाद में कई काफ़ी बार रिसबमिशन पॉइंट आता है कि दिस नेम इज़ नॉट अवेलेबल, तो उसके बाद में क्या होता है कि वापस से फ्रेश एप्लीकेशन पूरी फाइल करनी होती है। तो बेटर वे ये होता है कि आप सबसे पहले नेम रिजर्व करवाइए बाय फाइलिंग पार्ट ए ओनली। पार्ट ए जब आपका अप्रूव हो जाए उसके बाद में आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करें। तो यहाँ एक बार हम लोग सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन नहीं करके प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म पे ले आता है। अब ये फॉर्म क्या होता है, ये एक डिफरेंट फॉर्म है जिसमें इनकॉर्पोरेशन फॉर्म होता है, सारी इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स है, अटैचमेंट्स है, वो आपको यहाँ पे इस फॉर्म के थ्रू फाइल करनी होती है। एंड हमारी जो पीपीटी है उस पर हम आ जाते हैं एक बार, हमारी जो फाइल है राइटअप है। सी यहाँ पे था सेव वन फाइलिंग ऑफ स्पाइस प्लस पार्ट ए आफ्टर लॉगिन, तो उसके लिए हमें लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए, उसके बाद ही स्टेप वन हो सकता है। एंड स्टेप वन के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको रीड करते हैं, द एप्लीकेंट ऑफ प्रोफेशनल नीड्स टू फाइल स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर नेम रिजर्वेशन ओनली इन पार्ट ए बेसिक इन पार्ट ए बेसिक इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फिल इन लाइक टाइप ऑफ द कंपनी, क्लास ऑफ द कंपनी, कैटेगरीज ऑफ द कंपनी including main division of industrial activity of the company. तो दबाव information is mandatory to fill, जो भी information हो स्टाफ मार्क के साथ उसको mandatory है, दो नाम preference आपको दिए जाते हैं। और important note यहाँ पे यह है कि applicant can file part B for incorporation along with part A if he or she is sure about the name availability, but in such case an applicant cannot have two preference for the names. क्योंकि अगर आप एक integrated application file करते हो तो वहाँ दो options नहीं रहते आपके पास, क्यों? क्योंकि सीआरसी को ही लगता है कि आप ये जो नेम है आपको इजीली मिल जाएगा, तो आपको एक ही नेम का ऑप्शन देता है अगर आप इंटीग्रेटेड फाइल करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स आपको अटैच करना है, द नेम अगर आपका पार्ट ए अप्रूव हो जाता है तो नेम इज वैलिड फॉर 20 डेज आफ्टर अप्रूवल। नेम अप्रूवल आपका 20 डेज के लिए होता है और उसके लिए आपको 1000 का पेमेंट करना होता है सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आप पार्ट ए सिर्फ फाइल करो। सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। सी होता क्या है, जब प्राइवेट कंपनी होती है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जो एमओए और एओए है वो ईएमओए और ईएओए रहता है। कहने का मतलब है कि फिजिकल एमओए और एओए की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस कंपनी। तो यहाँ सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको फिजिकल जो एमओए है और एओए है वो रेडी करनी होगी और उसके साथ साथ सब्सक्राइबर शीट भी प्रिपेयर करना होगा, दैट नीड टू बी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर एंड द प्रोफेशनल्स बोथ। तो आफ्टर द नेम अप्रूवल फ्रॉम पार्ट ए, applicant needs to prepare physical MOA and AOA that needs to attach to incorporation form part B. Part B में आपको MOA और AOA का attachment लगेगा and MOA should include all the objects for which Section 8 company is going to be incorporated. तो जो MOA और AOA हमने step 2 में ready किया है उसके बाद में वो हमें step 3 में helpful रहेगा, preparation of 3 e-forms, e-part A, Agile and IC9. तो यहाँ पे part B हमने form अभी देखा, लेकिन एजाइल फॉर्म कहाँ है और INC9 कहाँ है फॉर्म यह हमें दिखा नहीं देता। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो पार्ट बी जब आप फाइल करते हो और जब आप सबमिट करते हो MCA पे, तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो फॉर्म है एजाइल एंड देन INC9 वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे शो होता है पोर्टल पे। तो आपको अलग से अगर MCA फॉर्म्स डाउनलोड में जाके आप चेक करोगे पार्ट बी एजाइल एंड INC9, तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आपको MCA पोर्टल पे ही मिलेगा आफ्टर कोडिंग जब आप स्पाइस प्लस पार्ट ए फिल करते हो। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ऑल द बिलो मेंशन अटैचमेंट्स प्रोसीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। आपके अटैचमेंट्स आपको रेडी करने होंगे लाइक आईडी एंड आईडी, एड्रेस प्रूफ, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी अगर किसी और कंपनी में डायरेक्टर होता है तो, और यूटिलिटी बिल है उसके साथ NOC भी अटैच करना होगा, एंड जो भी बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो अटैचमेंट्स हैं वो सब आपको रेडी करना होगा। इसके अंदर एक जो नया अटैचमेंट है वो है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेक्शन 8 कंपनी में आपको जो प्रपोज 3 इयर्स होते हैं आपके उसका एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक चार्ट आपको प्रिपेयर करना होगा,
एंड देट शुड बी साइंड बाई द सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स, तो वो आपको पार्ट बी में अटैच करना होगा। और एजाइल जो फॉर्म है पार्ट, ये सारे जो अटैचमेंट्स है ये पार्ट बी के हैं, और एजाइल के अंदर एक अटैचमेंट होता है ईपीएफओ का, वो आपको सेपरेटली अटैच करना है, और आईएनसी 9 में कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। एंड ये जो फॉर्म फाइल करना है उसके बाद में हम लोगों को एक बार क्रॉस चेक करना होगा कि जो हमने इंफॉर्मेशन फीड की है और जो भी अटैचमेंट्स हमने उसके साथ लगाए हैं फॉर्म में, दे आर मैचिंग और नॉट, वो इन्फॉर्मेशन जो हमने अटैचमेंट से लिया है दे आर मैचिंग और नॉट, तो उसके लिए क्रॉस चेक करना होगा सारी इन्फॉर्मेशन। ई फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो भी अटैचमेंट्स किए हैं वो सभी का क्रॉस चेक करने के बाद में ही हम अपलोडिंग स्टेज पे जा सकते हैं। तो आपको बेसिक क्या इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी, जहाँ रिसबमिशन के पॉइंट्स आ सकते हैं सीआरसी की तरफ से, दैट यूटिलिटी बिल इज नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाइए या फिर जो भी यूटिलिटी बिल हो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए कैसे भी करके, वो लेटेस्ट होना चाहिए। एंड डायरेक्टर्स का जो रेजिडेंशियल एड्रेस आप लगाते हो, लाइक बैंक स्टेटमेंट, लाइक प्रीपेड बिल, लाइक लैंडलाइन बिल, द नेम ऑफ डायरेक्टर, तो वो भी आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड ऑल द अटैचमेंट और डॉक्यूमेंट शुड बी इन लेजिबल फॉर्म। कोई भी इस तरह का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि जो ब्लरी हो, थोड़ा दिख नहीं रहा हो, लेजिबल फॉर्म में नहीं हो। और नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, यहाँ बहुत बार सीआरसी की तरफ से एक पॉइंट आता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड का नाम है या जो भी ओनर है जो यूटिलिटी बिल पे नाम होता है वो आपका एनओसी से मैच नहीं कर रहा, तो आप मेक श्योर हो कि एनओसी में जो नाम है लैंडलॉर्ड का या ओनर का वो मैच होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल से या यूटिलिटी बिल से। और इस तरह से रेजिडेंशियल एड्रेस में, लाइक बैंक स्टेटमेंट में जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका DI-2 में भी होना चाहिए, और वो सेम एड्रेस आपका जो पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फिल करते हैं वहाँ भी सेम होना चाहिए। ये चीज आपको क्रॉस चेक करनी होगी बिफोर अपलोडिंग ऑफ ऑल द फॉर्म्स टू द एमसीए पोर्टल। एंड आफ्टर क्रॉस चेकिंग, लास्ट जो 5th स्टेप है, आफ्टर क्रॉस चेकिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अटैच डॉक्यूमेंट, इफ द एप्लीकेंट इज सेटिस्फाइड विद ऑल द फॉर्म्स देन द एप्लीकेंट कैन प्रोसीड फर्दर विद अपलोडिंग ऑफ फॉर्म्स। एंड एट दिस स्टेप एन एमसीए लॉगिन इज रिक्वायर्ड एंड ऑल द फॉर्म्स कैन अपलोड आफ्टर प्रॉपर एमसीए लॉगिन। तो यहाँ एमसीए का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जो आपका रजिस्टर्ड यूजर का है या एज एन एप्लीकेंट है वो आपको रिक्वायर्ड है। आफ्टर लॉगिन गोज टू अपलोड फॉर्म्स एंड सेलेक्ट नॉर्मल फॉर्म, अपलोड ऑल द 3 फॉर्म्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बेसिक आपको पॉइंट जो है मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पार्ट ए जब हमने अप्लाई किया था, पार्ट ए मान लीजिए हमने सिर्फ पार्ट ए अप्लाई किया था और उसके बाद में पार्ट बी के लिए सेपरेट हम फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ जो पार्ट ए के लिए जो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल यूज किए थे वो सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको पार्ट बी एजाइल और INC9 के लिए भी करना है, ठीक है। और अगर आप इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन कर रहे हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा एक ही फाइल में। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ लिखा है, एमसीए लॉगिन शुड बी द सेम फ्रॉम विच पार्ट ए नेम रिजोल्यूशन वॉज अप्रूव्ड, द सेम प्रोसेस इज फॉर रिसबमिशन ऑफ फॉर्म। अगर मान लीजिए कि ये फॉर्म आपने फाइल किया और उसके बाद में कुछ एक पॉइंट्स में अगर सीआरसी को लगता है कि वहाँ रिसबमिशन पॉइंट देना चाहिए क्योंकि वहाँ जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट का, तो वो रिसबमिशन पॉइंट दे भी सकते हैं, और रिसबमिशन भी इसी तरह से करना है उस चीज़ को रिजोल्व करने के बाद में। बट वहाँ नॉर्मल फॉर्म्स जो यहाँ पे लिखा है वहाँ रिसबमिशन फॉर्म्स में जाना आपको, और रिसबमिशन फॉर्म में आपको अपलोड करना है, और रिसबमिशन जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ जो SRN है वो आपको पूछेगा जो आपको प्रीवियसली आपने जब अपलोड किया था इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स, तो वो आपको SRN जो है वो मैंडेटरी है वहाँ पे पुट करना। तो स्टेप्स जो है सेक्शन 8 कंपनी का वो काफ़ी ईजी है, और अगर आप फॉर्म जो पार्ट बी है इन 3 फॉर्म्स में से सिर्फ पार्ट बी है वो काफ़ी लेंथी फॉर्म है, उसके अलावा एजाइल और INC9 इज वेरी ईजी टू फिल एंड अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो तीनों फॉर्म है वो लिंक्ड फॉर्म में जाके ही तीनों एक साथ अपलोड होंगे, सेपरेटली अटैच नहीं होंगे, मतलब सेपरेटली आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको तीनों फॉर्म्स जो है वो एक सीक्वेंस में अपलोड करना है एमसीए पोर्टल पे वाया लिंक फॉर्म टाइप। तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, ये मान लीजिए आपको अभी सीआरसी बेसिकली 3 से 4 वर्किंग डेज ले रही है अप्रूवल के लिए, और ये आपका अप्रूव होता है उसके बाद में
मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ भी सबमिशन पॉइंट्स नहीं आता है, तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 वर्किंग डेज फॉर द अप्रूवल। एंड उसके बाद में आपको एक अप्रूवल लेटर जो कि लाइसेंस नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है वो आपको मिलेगा सीआरसी की तरफ से, और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द सीआरसी। और अगर सीआरसी को लगता है कि देर इज सम डाउट और द अटैचमेंट्स आर नॉट इन लेजिबल फॉर्म और द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इज इनकम्प्लीट, देन सीआरसी उसके लिए आपको रिसबमिशन भी दे सकता है। उसके लिए जो भी आपने ईमेल आईडी दी है डायरेक्टर की या फिर कंपनी की, उस पर एक ईमेल आ जाएगा। एंड देट रिसबमिशन वी नीड टू सबमिट द फॉर्म्स अगेन इन 15 days, 15 दिन का हमें टाइम मिलता है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन 8 कंपनी है इसके बेसिक स्टेप्स है जो कि काफ़ी ईजी है समझने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये जो ई फॉर्म्स है उनमें कुछ आपको डाउट्स आता है, टेक्निकल इशू आती है, या फिर इंफॉर्मेशन कैसे इंफॉर्मेशन फीड करनी है वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछ सकते हो हमें, ठीक है। और ये जो हम इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स आपको बता रहे हैं, अभी नेक्स्ट जो हमारी प्लानिंग है वो है ओपीसी 1% कंपनी, वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं और वो सेक्शन 8 कंपनी या प्राइवेट कंपनी से किस तरह से डिफरेंट होती है, बिकॉज देर इज ओनली वन डायरेक्टर एंड वन शेयर होल्डर इन 1% कंपनी। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी तरह से राइटअप के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं या इनिशिएटिव हमने किया है वो अगर इंफॉर्मेटिव है और नॉलेजेबल है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ। और हमने एक चैनल बनाया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस का, वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे क्या है कि हमें भी एक मोटिवेशन इस तरह से मिलते रहे कि हम लोग वीडियोज और बना सकते हैं और इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू।